कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में कोशिशें जारी हैं और मार्केट में कई तरह के वैक्सीन आ चुकी है और पूरी दुनिया की निगाहें और सवाल कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, आखिर में कोरोना वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या यह सुरक्षित है भी या नहीं, कई तरह के ऐसे मन में सवाल आता है। कोरोना वैक्सीन को काम करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन आखिर है क्या। वैक्सीन यानी टीका एक जैविक मिश्रण है। जब कोई भी व्यक्ति को वैक्सीन दिया जाता है तब ये उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से इन्फेक्टियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। जब शरीर के रोग संपर्क में आता है तब यह संक्रामक एजेंट यानी कि इन्फेक्टियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। यदि हम भविष्य में इस तरह के सूक्ष्मजीवी यानी कि रोगाणु के संपर्क में आते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया करती है और जल्द ही उन्हें नष्ट कर देती है। टीके रोग का कारण नहीं है क्योंकि उनमें केवल मृत या कमजोर रूप या किसी विशेष जीव यानी कि एंटीजन के निष्क्रिय हिस्से होते हैं जो कि शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं। कुछ वैक्सीन के लिए अनेक खुराकें लेने की आवश्यकता होती है जिन्हें लंबे समय तक रहने वाले एंटीबॉडी के उत्पादन और मेमोरी सेल यानी स्मृति कोशिकाओं के विकास के लिए हफ्ता या महीनों के अंतराल पर दिया जाता है। वैक्सीन यानी कि टीका को कई प्रकार से दिया जाता है। अधिकांश वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं लेकिन कुछ मुंह या नाक से भी दिए जाते हैं। ये तो हो गया वैक्सीन के बारे में, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो कोरोना के मरीज है उसमें कोरोना वायरस हमारे बॉडी कैसे फाइट करता है। देखिए, जब वायरस हमारे शरीर में आते हैं तो हमला करते हैं और वो बढ़ जाते हैं। वायरस के इस आक्रमण को एक इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है जो शरीर में बीमारी का कारण बनता है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रक्त में लाल कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल होती है जो शरीर के ऊतकों और अंगों के कई हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है, और इसी तरह है सफेद यानी कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं यानी यूवी कहे व्हाइट ब्लड सेल जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। और यही व्हाइट ब्लड सेल में मैक्रोफेज और बी लिम्फोसाइट और इसके साथ साथ टी लिम्फोसाइट भी होता है। मैक्रोफेज की बात की जाए तो ये सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो कि कीटाणु और मरने वाली कोशिकाएं को निगलती है और पचाती है। वो आक्रमण करने वाली कीटाणुओं को हिस्से को पीछे छोड़ते हैं जिन्हें एंटीजन के रूप में जाना जाता है। इसके रिजल्ट में शरीर एंटीजन को खतरनाक रूप में पहचाना जाता है और उसने लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को उत्तेजित करता है। और इसी तरह बी लिम्फोसाइट जो कि ये रक्षात्मक सफेद कोशिकाएं यानी कि डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल है, मूल रूप से वो मैक्रोफेज द्वारा पीछे छोड़ दिए गए एंटीजन पर हमला करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। उसी तरह टी लिम्फोसाइट जो एक अन्य प्रकार के रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल है, इनका काम उन कोशिकाओं पर हमला करना है जो पहले से ही शरीर में संक्रमित है यानी कि जो इन्फेक्शन है। जब पहली बार शरीर के एक रोगाणु का सामना करता है तो इन्फेक्शन के खिलाफ कीटाणु से लड़ने वाले औजारों को बनाने और उपयोग करने में कई दिनों का समय लगता है। इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी के खिलाफ शरीर की रक्षा करने के तरीके शुरू करता है। यदि हमारी बॉडी फिर से उसी रोगाणु का सामना करता है तो शरीर की टी लिम्फोसाइट जिसे मेमोरी सेल भी कहा जाता है ये तुरंत से क्रिया में आ जाती है। जब परिस्थिति एंटीजन का पता लगाया जाता है और फिर बी लिम्फोसाइट उन पर हमला करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। ये सब तो ठीक है, पर कोरोना वैक्सीन कैसे काम करती है आइए जानते हैं। हमारे शरीर में वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को विकसित करने में मदद करते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण कभी भी फिर से बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनता है। ये भी देखा जाता है कि कभी कभी टीका लगने के बाद बुखार जैसे मामूली लक्षण हो सकते हैं, मतलब कई ऐसे लक्षण भी देखा जाता है। इस तरह के मामूली लक्षण सामान्य है और उम्मीद की जाती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी बनाता है। एक बार जब संक्रमण खत्म हो जाता है तो शरीर मेमोरी आपूर्ति को याद रखता है और परिणाम स्वरूप टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट याद रखते हैं कि भविष्य में बीमारी से कैसे लड़ना है। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैक्सीन के बाद टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के उत्पादन करने में शरीर को कुछ हफ्ता लगते हैं। यह संभव है कि एक व्यक्ति टीकाकरण से ठीक पहले या उसके ठीक बाद किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए तो उसे लक्षण विकसित हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।
अब वैक्सीन को जिसमें वो कैन जर्म्स होते हैं मुख्य रूप से इंजेक्शन द्वारा शरीर में दिया जाता है। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है जिस तरह से एंटीबॉडीज पैदा करके हमारी बीमारी पर आक्रमण करेगी। अब एंटीबॉडी वैक्सीन के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि वो एक प्रशिक्षण अभ्यास की तरह रोगी कीटाणुओं के साथ करते हैं। फिर वो शरीर में रहते हैं और इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी भी वास्तविक बीमारी से संपर्क में आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी होती है। तो इस तरीके से हमारा कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर में काम करता है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो वैक्सीन किसी रोगाणु का कमजोर या निष्क्रिय रूप से ही होती है। वैक्सीन को इम्यून सिस्टम में रोगाणु की मेमोरी बन जाती है, यानी इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को अच्छी तरह समझ लेता है और उसे लड़ना भी सीख लेता है। जब असल में उस वायरस का संक्रमण होता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम वायरस, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे रोगजनक से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और इस तरीके से हमारा कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर में काम करता है। और इसी तरह ये भी सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है भी या नहीं। तो ऐसे में हम बात की जाए तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि बाजार में लाए जाने से पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच किया जाता है। पहले लैब में और फिर जानवरों पर इनका परीक्षण यानी कि टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही मनुष्य यानी कि हमारे शरीर पर वैक्सीन का ट्रायल होता है और उसके बाद ही हर एज के लोगों में दिया जाता है। तो हाँ, इस तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षित है। हाँ, तो दोस्तों आपको एक बात कहना जरूरी है कि अभी तक आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द लगवा लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने बॉडी के साथ मजाक करते हो, समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो और जानकारी कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगले वीडियो कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।